हमारे बीच में अनेक ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जो मेरी विचारधारा के कारण हमारे यज्ञ अनुष्ठान के और शक्ति के को देखते हुए पंडोगढ़ धाम के तपोभूमि का विस्तार तीर्थ की मातृता को से संतुष्ट होते हुए हमारे बीच में मुस्लिम संप्रदाय से हमारे भाई साथ में खड़े हैं, अपनी स्वेच्छा से पंडोगढ़ धाम की विचारधारा से संतुष्ट होते हुए अपने मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में अपने पुनः वापस प्रवेश कर रहे हैं, सनातन धर्म में आ रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भैया जी यहां आए और श्रीमद् भागवत महापुराण और अपने उमा शंकर देवलिया जी से भी मैं कहूंगा, पहले इनकी स्पीच, भक्तों को निर्देश, भक्तों को अपना संदेश, यहां का किस चीज से आप प्रभाव के संतुष्ट हुए और अपना भारतीय सनातन धर्म अपनाने के लिए आपको प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई, आप किसी दबाव में तो नहीं हो, किसी के प्रभाव में तो नहीं आए हो, पंडोगढ़ सरकार धाम तीर्थ आपके साथ में है, आपको घर वापसी में अपने पुनः सनातन परिवार में आपको हाथ पसार कर आपको अपने गले लगाकर आपको आपको स्थान देकर आशीर्वाद प्रदान करता है। इनका तिलक रक्षा सूत्र हनुमान चालीसा का पाठ भैया करेंगे, अपना नाम प्रचार करेंगे, पंडोगढ़ सरकार के फूल माला पहनाएंगे और विजयी और पंडोगढ़ सरकार का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा, आपकी सुरक्षा व्यवस्था पंडोगढ़ सरकार दरबार आपका। देखिए परमात्मा के यहां से जिसकी आती है ना उसको कोई भी नहीं रोकता, लेकिन बाहरी आपदाओं से मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके साथ खड़े होकर के आपका हाथ में हाथ पकड़ करके समाज में आपको स्थापित करूंगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए पूज्य गुरुदेव भगवान का जो संकल्प है जिसे साथ लेकर हम सभी सनातनी गौरव के क्षणों को प्राप्त करते हुए पूज्य गुरुदेव के आशीष और आशीर्वाद से इस धर्म ध्वजा को आगे ले जा रहे हैं। यह शुरुआत हो गई है पूज्य गुरुदेव के संकल्प की, जो गुरुदेव भगवान ने हम सभी भक्तों के समक्ष लिया और हम सभी को आगे धर्म ध्वजा को ले जाने के लिए आवाहन किया। यह राम राज्य की स्थापना का प्रतिबिंब है जो आज हम सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में देख रहे हैं। सत्य सनातन धर्म जो आदि और अनंत है वो इसका उदाहरण है। हम रास्ते में तो भटकते ही हैं लेकिन सच्चा गुरु वही है जो सदमार्ग पर दिखला दे, और ये प्रेम की मूर्ति हमको साक्षात दिख रही है कि ये भाई जावेद जो हैं ये भटक चुके थे लेकिन यहां का वैभव सत्य सनातन धर्म का परिचय लेते हुए इन्होंने यहां पर देखा समझा और पूज्य हनुमान जी महाराज के चरणों में अखंड पाठ करते हुए इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं घर वापसी करूंगा और सत्य सनातन धर्म की छत्र छाया में शेष जीवन पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए धर्म ध्वजा को आगे ले जाऊंगा। मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भाई जावेद जी का कि जिन्होंने आज पूज्य गुरुदेव भगवान के शरण रज प्राप्त करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के समक्ष हिंदुत्व को अपनाते हुए राम राज्य की स्थापना में एक और कदम आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। आ जाइए जावेद भैया, श्रीमद् भागवत कथा के समक्ष जल से आचमन कराएं, बैठ जाइए अच्छे से। ओम शुद्ध बाला सर्वशुद्ध बालो मणिवार स्वास्विना श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्थ रुद्राय पशुपतये कृण जामा अवलिता रौद्रा नभो रूपा पार्जन्या शुद्धोदक जलम समर्पयामि गंध चंदना। ओम त्वं गंधर्वा अघन स्वामींद्र स्वाम बृहस्पति त्वामो घदे सोमो राजा विद्वान क्षमादमुच्यत। श्रीमद् भागवत महापुराणेभ्यो नमः गंधाद्भिः संपूज्यतः।
सदगुरु चरण कमले प्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान श्री श्याम का दुपट्टा उड़ाकर भाई जावेद को पुनः अपने घर की वापसी कराते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीष और आशीर्वाद हमारे भैया पर बना रहे हो। मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जावेद भाई अपने घर पर वापसी कर चुके हैं तो आप अपने मुखारविंद से हनुमान चालीसा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे, पंडोकर सरकार चालीसा का पाठ भी करेंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान आज से जावेद भाई को एक नया नाम देंगे जिसे हम अपने मुखारविंद से बोलकर भाई को गले लगाएंगे। मुंबई महाराष्ट्र जालाना से हमारे भाई जावेद जी हैं और आप सभी इनका समर्थन करें, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले पंडोकर धाम की, सतगुरुदेव भगवान की जय, जय सीताराम। संत जी खड़े हो जाएंगे। पूज्य महाराज श्री मंच पर कृपा करें, आदरणीय छोटे भाई लवलीश जी महाराज जी वो भी मंच पर आए और अपना संबोधन अपना नाम परिचय दे करके आप नया नाम पाए। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में एक निवेदन कि श्री सरकार अपने मुखारविंद से इस भक्त को नामकरण के बाद हनुमान जी महाराज का स्मरण इस मुख से निकले तो अति कृपा होगी। शिवेंद्र नाम प्राप्त किया है भाई को, जोरदार तालियां शिवेंद्र भाई के लिए, सरकार की जय। मैं अब शिवेंद्र भाई से प्रार्थना करूंगा कि जोरदार एक वीर बजरंग बली का जयकारा लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। श्री गुरु चरण सरोज। हेलो श्री गुरु चरण सरोज रजमन मुकुरारी बरु मसल जो दायको बलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहु हरे उ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश देव लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के कंचन भरन राजू केसा कांडल कुंडल कुंचित केसा हाथ भरा जो धोरा विराजे काचे मुँह शंकर साचे शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज को कर गो आतुर प्रभु चरित्र सुनको रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया तिकावा विकट रूप धरि लंक जर भीम रूप धरि असु सहारे रामचंद्र के का सवार लाए संजीवन लखन जियाए रघुबर शिवर जाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई प्रिय भर संभा सहज बंदन अस्पटिकावे अस्कंठी पसंद कर लावे संकादित ब्रह्मांड मुनिषा नारद सार सही अदिशा जम कुरे दिक्पाल दयाते कोई कोई कई से काते तुम उपकार सुग्रीव किंडा राम मिलाए राजपद दिना तुम्हारे मंत्र विभीषण भाना लंकेश्वर प्रयोग पर भानु जू अशोक प्रयोग पर भानु लिल्यताय मधुर पल जानु प्रभु मुद्रिका में मुख नाई जल देना हम आचरण नाई दुर्गम का जगत के जेते सुनु अनुग्रह तुम रहते थे राम दुलारे तुम रखवारे ओतना पिन पैसारे सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहु को डरना आपन ते समारो आपे तीनी लोग आग ते कापे भूत बिचेट निकट ना आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बिलवीरा संकट जो हनुमान जुड़ावे मन क्रम जो ध्यान लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काल सकल तुम सर और वर्ष जो कोई लाए सोई अमित जीवन बल पावे चारों जग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा साधु संत के तुम रखवारे अर्जुनंद के राम दुलारे अष्ट सौ निधि की दाता असवर दिन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख पर सावे अंत काल रघु पर जाई जा जन्मारी भक्त कलाई और देवता चिंतन धरी हनुमंत से सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमान बल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव बिनाई जो शत पार पाठ कर होई चुट्टी बंदी मास होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि सागी गौरी तुलसीदास सदारी चेहरा कुचे ना दूध में डरा पवन तन में संकट हरना मंगल मूर्ति रूप धामा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सुर धूप बोल बोल श्री राम प्रभु की जय। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। सभी आगंतुक तो ब्रह्मशियों से आग्रह है कि आसन ग्रहण करें। पूज्य गुरुदेव भगवान ने शिवेंद्र को गले लगाते हुए हम सभी को एक
सत्य सनातन धर्म और राम राज्य की स्थापना का प्रतिबिंब आपके सामने दिखाया है। आज हमारे बीच इस मंच पर भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र विधौलिया जी भी इसी गौरव के क्षण में उपस्थित हुए हैं। ये जावेद भाई जालाना महाराष्ट्र से थे, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से, पूज्य हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से आज इन्होंने सत्य सनातन धर्म को स्वीकार किया और पूज्य गुरुदेव भगवान ने इनका नामकरण करते हुए आज से इनको शिवेंद्र नाम स्थापित कर दिया। अब आज से ये शिवेंद्र नाम से जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। ये है सत्य सनातन धर्म। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी कबहू न त्यागिए, अपने कुल की रीत लायक से ही कीजिए, ब्याह बैर और प्रीत। ये साक्षात उदाहरण हम सभी को प्राप्त हो गया है। पूज्य गुरुदेव भगवान बार बार इस मंच के माध्यम से हम सभी भक्तों को कृतार्थ करते हैं और संदेश भी कई प्रकार के देते हैं। हम सभी जो पूर्वी सभ्यता से प्रकाशमान हो रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास का जो वातावरण है, जिसे नकारात्मक ऊर्जा आसुरी प्रवृत्तियां हमारे शरीर पर हावी होकर हमारे वातावरण को, हमारे संस्कारों को तोड़ मरोड़ कर प्रदर्शित करने में लगी हुई है। पाश्चात्य सभ्यता का जिस प्रकार हमारी संस्कृति में पदार्पण हो रहा है, निश्चित ही है एक दिन ये अंत हमको देखना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों को आप स्मरण कीजिए, जिन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति देकर अपने इस धर्म की रक्षा की, और उस धर्म की रक्षा का ये फल हमको प्राप्त हो रहा है कि आज ये गौरव है कि हम इस सत्य सनातन धर्म में अपना जीवन धन्य करते हुए पूज्य गुरुदेव का आशीष और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कई बार मैं पूछता हूं, महाराज जी मंच के माध्यम से कई बार कहते हैं, हिंदी बोलने में कई लोगों को शर्म आती है और अंग्रेजी बोलने में गौरव महसूस होता है, लेकिन पूज्य महाराज जी इसी मंच के माध्यम से हम सभी भक्तों को संदेश दिया करते थे, बेटा आ से लेकर ज्ञा तक जो वर्णमाला हिंदी की है, ये सबसे बड़ा मंत्र है, यही सबसे बड़ा मंत्र है। इन्हीं शब्दों से सारे वेदों में, सारे प्रकृति में जो भी कुछ है, सब इन्हीं अक्षरों में व्याप्त है। लेकिन अंग्रेजी की वर्णमाला ए से लेकर जेड है, लेकिन हिंदी की वर्णमाला हमको सिखाती क्या है? आ से अज्ञानी, अज्ञानी बनकर हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, और ज्ञा से ज्ञानी बनकर हम प्रकृति के वास्ते निकल जाते हैं और संसार में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। अज्ञानी बनकर आइए और ज्ञानी बनकर निकलिए। लेकिन अंग्रेजी की वर्णमाला हमको क्या शिक्षा देती है, यह भी पूज्य गुरुदेव महाराज हम सभी को सिखाते थे। आ से ए से अज्ञानी भी होता है, एक ए का मतलब आ से ही आएगा, तो वो भी शिक्षा आप अज्ञानी बनकर ले रहे हैं। लेकिन जेड का मतलब होता है जेब्रा, जो ब्रांडेड गधा है, चित्तीदार गधा, और वो गधा बनाकर मार्केट में भेज रहे हैं और हम सभी लोग भ्रमित हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीष और आशीर्वाद से हम सभी को ये अवसर मिला है, तो इस अवसर को आप और हम भुलाए मत, और पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार संकल्पों को पूर्ण करते हुए सत्य सनातन धर्म की और राम राज्य की स्थापना में अग्रसर हो। बोलिए पंडोघर धाम की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ठीक है, आप बैठो, अपन बैठते हैं, चर्चा करते हैं, पर्चा बनाते हैं। अब मैं शिवेंद्र भाई से दो शब्द आप सभी के बीच रखना चाहूंगा कि शिवेंद्र भाई को ऐसी प्रेरणा क्या हुई, किस देवता के अनमोल दिव्य दर्शन आपको जीवन में हुए, किसकी प्रेरणा से आपको ये एहसास हुआ कि ये हम गलत रास्ते पर भटक रहे हैं, हमारा मार्ग तो यहां भगवान श्री हरि के चरणों में है। ऐसा क्या उद्बोधन उनके जीवन में, ऐसी घटना घटी जिससे इनको ये सदमार्ग मिला, वो अपने मुखारविंद से सभी भक्तों को परिचित करें। आदरणीय शिवेंद्र भैया जी, लाइट की व्यवस्था कर भैया। बोलो पंडोकर सरकार की, हाथीवान महाराज की, परम पूज्य गुरु महाराज की। देखो भैया, मेरा नाम है जावेद, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, जालना जिला। और जो जैसे श्री कृष्ण का जो भक्त रहता है यानी दोस्त सुदामा जी, वैसे ही मेरे को इस मार्ग पर से लाने वाला मेरा दोस्त है राहुल तलाटी गुरु जी, जो महाराष्ट्र से दो ही जने आए हैं। उन्होंने मेरे को पंडोकर धाम लाइव में यूट्यूब पे हमने देखा था, बहुत सारे, मैं चार धाम रिटर्न हूँ, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसा है पर टाइम नहीं है, मैं शादी से पहले चार धाम रिटर्न हूँ, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं और मैं वैष्णो देवी 13 बार नवरत्र बिना चप्पल जा चुका हूँ। ये मेरा
भगवान का मेरे से कोई नहीं हुआ, भगवान ने मेरे को बुलाया जिस वजह से मैं गया हूँ। मेरी परिस्थिति बहुत सी गरीब है, मैं रोजगार ट्रैक्टर चला के पैसे कमा के चार धाम करे वाला हूँ। किसी के गाड़ी धोके गाड़ी किसी की गाड़ी पहुंच के मैंने चार धाम खुद के मेहनत के पैसे से चार धाम किया है। परम पूज्य गुरु महाराज के सामने बोल रहा हूँ। और जो मेरा जो दोस्त है उसने लाइव पंडोकर सरकार के जो बहुत सारी पब्लिक थी कि हमने बहुत सारी पीढ़ियां है दुनिया में, बहुत सारे लोग है भटकते रहते हैं कहाँ घूमते हैं। और जो बाबा जी के हमने ऐसे दो एक महीने तीन महीने पहले आके बाबा जी के आश्रम में पर्ची काट के बाबा जी की सेवा की, बहुत सारी उस दिन सेवा करके बाद आज हम चार दिन यहाँ से रुके। हमको लगा हमको बाबा जी को नहीं मिल पाएंगे। कल बाबा जी का जन्मदिन था, दंगल थी, और हमने सेवा में भंडारे में सेवा की। आज हम घर जाने वाले थे, 11 बजे हमारा टिकट था। भगवान की कृपा से आज हमारे बाबा जी ने हमारे जो भक्ति है भक्ति मार्ग पर अवलंब कर जो हमने सच्चाई मन से भक्ति की, उस भक्ति की वजह से हम पंडोकर धाम से जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे। बाबा जी का आशीर्वाद लेके ही जाएंगे। आप भी जुड़ते रहना। बोलो पंडोकर धाम की, बोलो अतिवन महाराज की, बोलो परम पूज्य गुरु महाराज की, यही बोलना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी। पूज्य गुरुदेव का आशीष और सानिध्य आपको जीवन भर प्राप्त हो, और पंडोकर धाम के सभी गुरु भाइयों और सब सनातनी भाइयों का आपको प्रेम और स्नेह मिले।